ये हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे तब उन्हें आजमाया गया, जो मलिका थी उन्हें आजमाने की कोशिश करी, उन्हें बुलाए करीब, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कैसी ताकत थी अंदर उनके कि वैसे मौके पर भी उन्होंने अल्लाह का जो है डर रखा था और बेशक एक मिसाल बनकर हमारे नौजवानों के लिए आज की तारीख में खड़ी होती है। इसके बेशक बारे में कुछ आप शेयर करेंगे? बेशक, यूसुफ अलैहिस्सलाम सुबहानअल्लाह एक ऐसे प्यारे नबी थे जो हमारे लिए बिलखसूस नौजवानों के लिए ता क़यामत तक एक बड़ी अहम मिसाल कायम की। आज भी हम जो देखते हैं, जो हम रिलेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये इंसान ही थे, यूसुफ बेशक अलैहिस्सलाम इंसान ही थे, उनके अंदर भी एहसास था, फीलिंग्स थे, आपके अंदर वो चीज़, वो नौजवानी भी थी जो आज के नौजवान में है। तो जो मुजाहरा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया वो इम्पेकेबल है। इतना प्यारा आपने मिसाल कायम की, वो हमारे नौजवान अगर उस मिसाल को ले ले तो वो मोरालिटी के एजेंट्स बन जाएंगे, वो मोरालिटी के एम्बेसडर्स बन जाएंगे। आज जो कमी है हमारे मुआशरे में वो है मोरालिटी की। आज बेशर्मी को बेशर्मी आम नहीं कर समझा दिया जा रहा जा है, रहा है। सही, इतना आम हो गया है कि उसको बेशर्मी नहीं समझा जा रहा है। और ये एक किस्म का अजाब है कि आप अजाब में हैं और आपको पता भी नहीं कि आपको अजाब में मुब्तला किया गया है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सोसाइटी को एक मोरली बेस्ड और मोरली वैल्यूड सोसाइटी रखता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि मोरालिटी हमारे जिंदगियों से चले जा रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी, जो वो मरहला था, जैसे मैंने आपको बताया, उनके अंदर भी जवानी थी, वो भी खूबसूरत थे, वो भी पसंद करते थे, लेकिन आपको जो चीज़ रोक कर रखी वो ये कि सबसे पहली चीज़ अल्लाह का तकवा। अल्लाह का तकवा जिसे हासिल होता है वो अपने आप को बुराई के बीच में एक दरार डाल लेता है। जैसे कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने फरमाया कि तकवा इतनी अहम चीज़ है कि उसका फ़ायदा क्या है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह का, अल्लाह उसको हर किस्म के प्रॉब्लम से निकाल देता है। तो नौजवानों को चाहिए कि वो तकवा हासिल करें। तकवा जो था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो बुनियादी वजह बनी उस बुराई से बचने के लिए, मौका था, माहौल था, वो मलिका रेडी थी उस बुराई को करने के लिए, कोई देखने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। ऐसा मौका आज अगर कोई नौजवान को मिल जाए, या तो आज के नौजवान तो वो मौका निकाल लेते हैं, आज हमें ये चाहिए कि उस मौका होने के बावजूद, सब चीज रेडी रहने के बावजूद, आपने उस बुराई को नहीं अपनाया, आप उस बुराई को रोक दिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तकवा था। वो जानते थे, वो उनको ईमान था, उनका भरोसा था कि कोई देखे या ना देखे उनका रब उन्हें देख रहा है। जो शख्स अल्लाह से शर्म करेगा उसका जो जो तबीयत में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो एक ठहराव होगा, वो बहुत बुलंद और पुख्ता होगा, वो बहुत ही पावरफुल होगा। जब मैं बुराई को रोकता हूँ अल्लाह के लिए और अच्छाई को अपनाता हूँ अल्लाह के लिए, वो ना मेरी बुराई कभी अपनी होगी ना वो अच्छाई मुझसे कभी दूर होगी। तो ये जो एलिमेंट है तकवा का, ये था सबसे बुनियादी वजह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें मिलता है इस मसले में लेकर। दूसरी चीज जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस वजह से आपने रुका वो है सब्र। सब्र एक प्यारी क्वालिटी है जो इंसान को स्टेबलाइज कर देती है, यानी एक इंसान मुस्तकिल हो जाता है सब्र को हासिल करने के लिए। और सब्र आसान नहीं है। सब्र अरबी में बोलते हैं अच्छाई पर टिक जाना, बुराई से बच जाना, और हर मुसीबत, हर आजमाइश में अल्लाह को कभी नहीं छोड़ना, ये होता है सब्र। और आप देखेंगे जिस मसले में आपने बात की, उस मसले में हर चीज रेडी थी, लेकिन सब्र जो था बुराई से बचने का, इसी सबर कहते हैं, बुराई से बचने का जो सबर था यूसुफ अलैहिस्सलाम में वो बहुत ज्यादा था। इस वजह से भी वो उस बदकारी से बच गए और
الزام الٹا ان کے اوپر ہی آ گیا, لیکن وہ صبر کرتے رہے, وہ حق پر برقرار رہے, اور اسی وجہ سے آپ اپنا ایمان, اپنی مثال تا قیامت تک ہم نوجوانوں کے لیے آپ نے دے دی کہ ایک نوجوان اگر مسلمان ہے اور وہ خوبصورت ہے اور وہ نوجوان ہے, اس کی جوانی بڑی پیک پر ہے, تب بھی اسے چاہیے کہ وہ اس برائی میں نہ جائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ہمیں بتایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. لیکن ہمیں جو نصیحت ملنی چاہیے آج کے نوجوانوں کو کہ وہ obscenity, absurd things, یہ جو ایڈکشنز ہو رہے ہیں, immorality جس کا سبب بن رہی ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے, اتنے temptations جو ہیں اتنا ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں, اتنا اپیل کرتے ہیں. ہر چیز میں آپ دیکھ لیں, نیوز پیپر سے لے کر ویب سائٹس دیکھ لیں, ہر چیز میں morality element غائب ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ سیم جیسے کہ آپ یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا, ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے. آپ نے صبر کیا, ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. آپ اس برائی سے رک گئے اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش میں اس شخص کو سایہ دے گا, جو شخص اپنے آپ کو روک دے گا جب کوئی بھی ایک عورت برائی کے لیے اسے بلائے. عرش کے جو کیٹیگریز, جو قسم ہیں, سات قسم کے لوگ, اس میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے, وہ شخص جس کو عورت برائی کے لیے بلائے اور وہ اللہ کے لیے اس برائی سے دور رہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی الحمدللہ ملے گا, عرش کا سایہ ہمیں ملے گا اگر ہم اس برائی سے بچ جائیں الحمدللہ. تو یہ سارے وجوہات بنے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچنے کے لیے. تو ہم بولتے ہیں اس کو باؤنڈریز, یہ باؤنڈریز ڈال لیں آپ, تقوی کی باؤنڈری ڈال لیں آپ, صبر کی باؤنڈری ڈال لیں آپ, اللہ پہ توکل کی باؤنڈری ڈالیں. جب آپ یہ باؤنڈریز ڈالیں گے تو آپ انڈر پروٹیکشن آف اللہ ہو جائیں گے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ برائی سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی وجوہات بنے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچنے کے لیے الحمدللہ. ماشاءاللہ, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر احمد بھائی. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.